किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि इस समय धान में कल्ले कुटाव का समय है और इस समय जो है आपको उर्वरकों का सही प्रबंध आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस समय आप देखें तो आपके धान में आपको बहुत ज़्यादा संख्या में कल्लों का फुटाव आपको दिखाई देता है, काफ़ी मात्रा में कल्ले बनते हैं, लेकिन जब बाद की अवस्था में आप देखते हैं तो यही कल्ले जो है आपको बहुत कम संख्या में दिखाई देते हैं जिन पे बालियों का निर्माण होता है। कारण क्या है उसका? कारण है इस अवस्था पे जो फसल को वास्तव में जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए, जब हम उसको उस तरीके से फसल को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे जो पौधे जो हैं वो अपने कल्लों को जो है वो बाली वाले कल्लों में नहीं परिवर्तित कर पाते हैं और उनको जो है मार देते हैं। अगर इस अवस्था पे जो है 25 किलोग्राम यारालीवर नाइट्राबोर, जो घुलनशील कैल्शियम का स्रोत है नाइट्रोजन और बोरान के साथ ही, अगर उसका प्रयोग 35 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से जब पानी कम हो खेत के अंदर उस समय अगर किसान करता है तो कैल्शियम जो है कल्लों को जो है उनको मरने की जो उनकी संख्या है उसमें बहुत मात्रा में जो है उनको कम कर देगा, जिससे आपके बाली वाले जो कल्ले हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और अंततः आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, दाने की क्वालिटी बढ़ जाती है, दाने में चमक बढ़ जाती है, जो आपके दाने जो खाली रहने की समस्या है वो कम हो जाती है, दाने भरे हुए मोटे बनते हैं और आपका जो उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। इस समय आपको जिंक के भी प्रयोग के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिंक धान में बहुत ही ज़्यादा नितांत आवश्यक न्यूट्रिएंट है। अगर जिंक इस समय नहीं होगा तो आपके पौधे जो हैं उन पे जो है जिंक की कमी, जिसको आप खैरा रोग भी जान के नाम से भी जानते हैं, उसके रूप में भी आपको दिखाई देगा। पौधे जो है आपके पीले पड़ने लगेंगे, उससे जो है भूरे रंग के जो है धब्बे पड़ने लगेंगे और उससे अगर बचना है तो आपको इस समय जो है धान के ऊपर जिंक का प्रयोग करना चाहिए। 250 ml याराबीटा जिंट्रेक प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप धान के ऊपर पर्णी छिड़काव के द्वारा प्रयोग करते हैं तो आप अपने धान को जो है इस समय जो जिंक की आवश्यकता है उससे उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो आप ये जो दो चीज़ें हैं इस समय कैल्शियम और थोड़ा सा यूरिया और थोड़ा जिंक एप्लीकेशन, इसको धान में ज़रूर करें जिससे आप अपने उत्पादन और अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने में कामयाब होंगे। नमस्कार।